हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं हमारे फिजियोलॉजी के पार्ट 5 की। इसमें हम देखेंगे हमारा नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट जो कि है कलेक्टिंग डक्ट्स। हम कलेक्टिंग डक्ट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से पढ़ेंगे। कलेक्टिंग ट्यूब्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स मेनली दो पोर्शंस में डिवाइड है। ये हमारा नेफ्रॉन है किडनी के अंदर, तो ये नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस है। ये इसकी लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप्स। लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो कॉर्टिकल साइड भी प्रेजेंट होती है एंड मेडुलरी साइड भी प्रेजेंट होती है। ओके, तो कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो कॉर्टिकल साइड जो होती है उनमें कौन कौन से सेल्स हैं और वो कैसे काम करते हैं, और वो कॉर्टिकल डक्ट जो कि मेडुलर साइड में प्रेजेंट है उसमें कौन कौन से सेल्स हैं और वो क्या क्या काम करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो कॉर्टिकल साइड जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उसमें मेनली दो टाइप के सेल्स मिलते हैं। एक होता है पी सेल, एक होता है आई सेल। ओके, पी सेल को प्रिंसिपल सेल बोलते हैं, प्रिंसिपल सेल्स, एंड आई सेल को इंटरकैलेटेड सेल्स। ओके, प्रिंसिपल सेल एंड इंटरकैलेटेड सेल्स। अब पी सेल्स जो होता है उनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये सोडियम पोटेशियम एंड वाटर इनके रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में हेल्प करती है। सोडियम पोटेशियम एंड वाटर इनके रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करती है। और पी सेल्स में दो ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि इसको मीडिएट करते हैं। एक होता है एल्डोस्टेरोन और एक होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इसका मेन काम होता है सोडियम पोटेशियम और वाटर के रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन में। वैसे कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो 4-5% ही, क्योंकि मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन सिक्रीशन वो हो चुका है ऑलरेडी, नेफ्रॉन में बहुत कुछ हो चुका है। बस लास्ट में जो 4-5% जो बचा है ना उसका काम जो है वो कलेक्टिंग डक्ट का होता है। तो 4-5% रीअब्सॉर्प्शन जो होता है और सिक्रीशन जो होता है वो पी सेल्स करती है, और आई सेल्स जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है एसिड बेस बैलेंस बनाना, अपने बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस बना के रखना, उसको मेंटेन रखना। अपनी बॉडी कभी एसिडोसिस ना हो जाए, एसिडेमिया कंडीशन में ना जाए, ना एल्कलोसिस हो जाए, बेसिक कंडीशन में ना जाए। तो उस दोनों कंडीशन को बनाने में आई सेल्स होती है वो बहुत मेन रोल करती है। अब हम देखते हैं पी सेल्स और आई सेल्स कैसे कैसे काम करते हैं। ओके, तो ये है हमारी पी सेल। पी सेल में ये है इसका ल्यूमेन साइड, ये है आपकी पी सेल, और ये है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी या वसा रेक्टम। तो क्या होता है इसमें एक स्पेशल टाइप के सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं ईएनएसी, एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, जो कि सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, जो कि सोडियम को रीअब्सॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। ओके, इसमें एक स्पेशल टाइप के पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पोटेशियम के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, पोटेशियम के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, उसका नाम है ROMK। और एक और टाइप के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं BK। ROMK रीनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल्स एंड बिग पोटेशियम चैनल्स, ये दो टाइप के पोटेशियम चैनल्स होते हैं जो कि पी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि पोटेशियम के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। और एक स्पेशल टाइप के चैनल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम एक्वापोरिन्स, सेकंड नंबर, जो कि वाटर के रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये तीन चैनल्स होते हैं जो कि इसके ल्यूमेन साइड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि दो तो हैं जो कि रीअब्सॉर्प्शन में काम करते हैं और एक है जो कि सिक्रीशन में काम करता है। पोटेशियम का सिक्रीशन होता है एंड सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। अब क्या है जो ईएनएसी चैनल है आपका, ये चैनल जो होता है इस
वो मेन जो हार्मोन रेगुलेट करता है उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो इस चैनल को, इस चैनल की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ इसको डिग्रेड होने से ही बचाता है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन के बिना ये चैनल्स जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे। एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो कि यहां पर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं नेट फॉर प्रोटीन, नेट फोर टू प्रोटीन। ये प्रोटीन जो होता है वो जो सोडियम चैनल्स हैं उनको डिग्रेड करने में, उनको डिस्ट्रॉय करने में मेन रोल है इसका। इसका मेन रोल ये है कि जो भी सोडियम चैनल जो प्रेजेंट है पी सेल्स के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करता है, और एल्डोस्टेरोन जो है वो इन सोडियम चैनल्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाता भी है, साथ साथ में इनकी एक्टिविटी बढ़ाता भी है। तो ये इनको डिस्ट्रॉय होने से कैसे बचाता है? एल्डोस्टेरोन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का एंजाइम सिक्रीट करता है, किस पे? इस प्रोटीन पे। स्पेशल टाइप का एंजाइम सिक्रीट करता है इस प्रोटीन पे, जिसकी वजह से ये नेट फॉर प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है। उनका नाम है SGKS1। सीरम एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रेगुलेटेड काइनेज 1। सीरम एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेगुलेटेड काइनेज 1। ये स्पेशल टाइप का एंजाइम है जो कि एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, किसके लिए? नेट फोर प्रोटीन्स के लिए, जिसकी वजह से नेट फोर प्रोटीन्स जो है वो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं और ये इस पे अपना फंक्शन नहीं कर पाते। जब नेट फोर प्रोटीन अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा तो ENAC जो प्रोटीन चैनल्स हैं वो हमेशा एक्टिव स्टेट में रहते हैं। उनको एक्टिव रखने के लिए कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टेरोन। और जब भी एल्डोस्टेरोन हार्मोन इसको मीडिएट करेगा तो ये सेल एक्टिवेट होंगे और सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। पोटेशियम के रीअब्सॉर्प्शन में, पोटेशियम के सेक्रेशन में भी एल्डोस्टेरोन ही है जो कि मेन रोल करता है। पोटेशियम का रीअब्सॉर्प्शन जो होता है वो भी एल्डोस्टेरोन से होता है। सोडियम की अगर हम बात करें, वाटर की अगर हम बात करें, तो वाटर का जो चैनल है एक्वापोरिन्स 2, ये मेनली रेगुलेट होता है वैसोप्रेसिन से, ADH से। वो ADH हार्मोन जो होते हैं वो मीडिएट करते हैं एक्वापोरिन्स 2 को। लेकिन ये एक्वापोरिन 2 जो है ये सिर्फ आपके ल्यूमेन साइड पर ही प्रेजेंट है, तो ये जब भी ADH जब भी सिक्रीट होगा और इसको मीडिएट करेगा, इसको रेगुलेट करेगा, तो वाटर रीअब्सॉर्ब होकर सेल के अंदर तो आ जाएगा, लेकिन सेल से इधर निकलने के लिए यहाँ पर दो और स्पेशल टाइप के चैनल्स प्रेजेंट हैं, दो स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट हैं, जो कि होते हैं एक्वापोरिन्स नंबर 3 एंड एक्वापोरिन्स नंबर 4। ये दोनों जो चैनल्स हैं ये ADH से मीडिएटेड नहीं होते हैं। ADH हार्मोन का इनके ऊपर कोई रोल नहीं है, ये ऑटो रेगुलेटेड होते हैं, अपने आप काम करते हैं। ओके, एक्वापोरिन 2 जो है वो ADH रेगुलेटेड है और ADH जब भी मीडिएट करेगा तो वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होगा। ठीक है, जब भी एल्डोस्टेरोन मीडिएट करेगा तो पोटेशियम का सिक्रीशन होगा और सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन होगा। अब क्या होता है, जो ADH है, जो वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन जो होता है मेनली प्रेजेंट, वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है मेनली प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस में। बनता कहां पर है? मेनली हाइपोथैलेमस में। फिर ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है और चला जाता है कहां पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो इसको स्टोर करती है और उसके बाद जब बॉडी को इसकी नीड होती है तो वो सिक्रीट करती है। तो स्टोरेज का काम एंड सिक्रीशन का काम जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का होता है। अब जब भी ये वैसोप्रेसिन को सिक्रीट करती है ना, तो ये एक स्पेशल टाइप के वैक्यूल्स में सिक्रीट करती है, एक स्पेशल टाइप के वैक्यूल्स में, एक स्पेशल टाइप के पैकेट में सिक्रीट करती है वैसोप्रेसिन को। इनके अंदर वैसोप्रेसिन प्रेजेंट है, इन पैकेट्स के अंदर वैसोप्रेसिन प्रेजेंट है, तो इन वैसोप्रेसिन, इन पैकेट्स को बोलते हैं हम हेरिंग बॉडीज। और इन हेरिंग बॉडीज के अंदर वैसोप्रेसिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बनता है हाइपोथैलेमस में, उसके बाद वहां से सिक्रीट होता है, स्टोर होता है किसमें? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। उसके बाद वहां से सिक्रीट होता है जब भी बॉडी को नीड होती है, और किस रूप में सिक्रीट होता है? एक स्पेशल वैक्यूल्स में सिक्रीट होता है, उन वैक्यूल्स को बोलते हैं हेरिंग बॉडीज। ठीक है, जो आपके एक्वापोरिन्स 2 है, अपनी बॉडी के अंदर वैसोप्रेसिन के टोटल 3 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, वैसोप्रेसिन 1A, वैसोप्रेसिन 1B एंड वैसोप्रेसिन 2। तीन टाइप के रिसेप्टर्स हैं जो आपका
एकोपरिन 2 है वहां पर वैसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जब भी ये रिसेप्टर के पास में वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो जाके इसको अटैच होगा तो ये जो सेल्स हैं ये जो चैनल्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये वाटर के रीअब्सॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तीन टाइप के रिसेप्टर होते हैं, वैसोप्रेसिन टाइप A1, वैसोप्रेसिन टाइप A2B एंड वैसोप्रेसिन 2। ठीक है, अब हम बात करें कि जो आपका नेक्स्ट पार्ट होता है जो आपकी जो ये सेल्स हैं जिनको बोलते हैं आई सेल्स, ये पी सेल्स का फंक्शन होता है। पी सेल्स का मेन फंक्शन यही है कि वाटर सोडियम और पोटेशियम इनके रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो सोडियम और वाटर इन दोनों का रीअब्सॉर्प्शन होता है और पोटेशियम का सिक्रीशन होता है। एक और चैनल्स के बारे में हम बात करना भूल गए, ये बात करना नहीं करना बात बराबर है। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के चैनल्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज सोडियम पोटेशियम चैनल्स। और ये सोडियम पोटेशियम का काम यही है कि सोडियम को ये बाहर निकालते हैं, जो यहाँ से हमने सोडियम को रीअब्सॉर्ब किया है उसको सिक्रीट करके कहाँ डाल देंगे, पेरिटुबुलर कैपिलरीज में, और वहां से पोटेशियम को निकाल के सेल्स के अंदर। ठीक है, जो आई सेल्स है इन आई सेल्स का मेन काम क्या होता है, इन आई सेल्स का मेन काम होता है कि ये एसिड बेस बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है। अब एसिड बेस बैलेंस बनाने में हेल्प कैसे करते हैं, आई सेल्स जो होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होती है टाइप ए एक होता है टाइप बी। ठीक है, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए जो होते हैं इनका काम है एच प्लस को मेंटेन रखना, एंड टाइप बी का काम है बाइकार्बोनेट को मेंटेन रखना। ठीक है, तो जब भी बॉडी के अंदर एच प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब भी बॉडी के अंदर एच प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा मतलब बॉडी का जो ब्लड है बॉडी का जो वॉल्यूम है वो एसिडिक हो जाएगा, तो टाइप ए एक्टिवेट हो जाएंगे, और टाइप ए जब भी एक्टिवेट होंगे तो वो एच प्लस आयंस को यूरिन के अंदर निकालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब भी बॉडी में अल्कलाइन मीडियम ज्यादा हो जाएगा, जब भी बॉडी बेसिक कंडीशन में आ जाएगी तो टाइप बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो बाइकार्बोनेट आयंस को यूरिन में निकालना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हम हमेशा एसिडोसिस और एल्कलोसिस इन दोनों कंडीशन से बचे रहते हैं, क्योंकि आई सेल्स प्रेजेंट है। वो आई सेल्स हमारे बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखती है, उसको पता है कि कब एसिडिक कंडीशन हो गई है हमें कौन से आयंस को सिक्रीट करना है और कब बेसिक कंडीशन हो गई है हमें कौन से आयन को सिक्रीट करना है। ठीक है, ये दोनों टाइप के सेल्स जो होते हैं आई सेल्स में टाइप ए एंड टाइप बी ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही काम करता है एक ही सिचुएशन पे, या तो टाइप ए काम करेगा या टाइप बी काम करेगा। इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए और इन दोनों को मीडिएट करने के लिए स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं हैंसिंग प्रोटीन। वो हैंसिंग प्रोटीन रेगुलेट करता है कि कब टाइप ए को एक्टिवेट होना है और कब टाइप बी को एक्टिवेट होना है। ठीक है, हैंसिंग प्रोटीन। अब बात करें, हमने ये बात करी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स। कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स में जो होते हैं दो टाइप के सेल्स की हमने बात करी, एक होते हैं पी सेल्स एक होते हैं आई सेल्स। पी सेल्स का मेन काम ये है कि सोडियम वाटर और पोटेशियम के रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन को मेंटेन रखना, और आई सेल्स का मेन काम ये है कि वो आपके एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें इंटरमेडुलरी नेफ्रॉन्स की, मतलब मेडुलरी के जो कॉर्टिक कलेक्टिंग डक्ट है, मेडुला की जो कलेक्टिंग डक्ट है अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं वो एग्जैक्टली काम करते हैं पी सेल्स की तरह। ठीक है, वो एग्जैक्टली पी सेल्स की तरह काम करते हैं, उनका एक ही काम है सोडियम वाटर और पोटेशियम इन तीनों की एक्टिविटी को मेंटेन करना। उसमें भी सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो रेगुलेट होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन से, और जो वाटर जो है वो रेगुलेट होता है वैसोप्रेसिन से। बस इतना सा उसमें फर्क है कि जो सोडियम और पोटेशियम जो रेगुलेट हो रहा है एल्डोस्टेरोन से, वो इनहिबिट होता है एक हार्मोन से जिसका नाम है एएनपी, एंटी नेट्रियोलाइटिक पेप्टाइड। जब भी एंटी नेट्रियोलाइटिक पेप्टाइड सिक्रीट होगा तो एल्डोस्टेरोन पे जाके एक्ट करेगा और एल्डोस्टेरोन जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है। एएनपी मेनली अपनी बॉडी के अंदर हर्ट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हर्ट सेल्स, जब हर्ट के सेल्स को लगता है ऐसा कि हमारी बॉडी में सोडियम और वाटर के रिटेंशन करना है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करना है, तो वो इस टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है, उसको बोलते हैं एंटी नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर इन दोनों का अपनी बॉडी में रिटेंशन बना रहता है। ठीक है, ये था हमारा कलेक्टिंग डक्ट जो कि कॉर्टिकल सिस्टम और मेडुलरी सिस्टम दोनों से रिलेट करता है।